सर्वे देवा गवांगे तीर्थानि तत्पदेशु च। गाय के हर अंग में सभी देवता व तीर्थ हैं। मात्र गौ सेवा करने से सभी देवताओं की आराधना व तीर्थ यात्राओं का पुण्य फल प्राप्त होता है। ब्रह्मांचल के गोद में बसी गोपाला कृष्ण की प्रिय भूमि बरसाना पर विश्व के सबसे बड़े गौ तीर्थ को साकार किया है श्री रमेश बाबा जी महाराज ने। गौवन संरक्षण के प्रति उनके अगाध श्रद्धा भाव व दृढ़ संकल्प से आज 45,000 गौवंश को संरक्षण ही नहीं बल्कि स्वस्थ जीवन, भोजन व भावपूर्ण सेवा से नया जीवन मिल रहा है। 117 एकड़ में फैला हुआ श्री माता जी गौशाला आज उत्तम गुणवत्ता से भरपूर A2 दूध, जैविक खेती के लिए जैविक खाद व कीटनाशक, गोबर गैस प्लांट से उत्पन्न ईंधन व बिजली उत्पादन करने वाला देश में ग्रामीण विकास का अग्रणीय उदाहरण है। गोवंश जिसके पीछे कृष्ण का नाम गोपाल या गोविंद पड़ा, जिसके पीछे ब्रज गोपियों ने श्री कृष्ण से कहा था तुमने ब्रशासुर को मारा है, गो हत्या लगी है, तुम शुद्ध हो जाओ तब हम तुमको स्पर्श करेंगे। ब्रजवासी ऐसे वो भक्त थे। आज उस मथुरा में कसाई खाना और गो हत्या होती है, अनाथ गौएं फिरती हैं, और यदि उसका चित्रण किया जाए कि इस निर्ममता से गोवंश को मारा जाता है, यदि गोवंश आज भी सुरक्षित हो जाए तो सत्युग हो जाएगा। गवर्नमेंट से भी गाय आती हैं, सरकारी संस्थानों से भी गाय आती हैं, और मिलिट्री वामे से भी, कैंप में से भी गाय आती हैं, नगर निगम से भी गाय आती हैं। ये गौशाला में 40 से 45 हज़ार गाय हैं लगभग, और सेवा अपने मातृभाव से कर रहे हैं सभी जो लग रहे हैं यहाँ। देखेंगे यहाँ इस गौशाला में वास्तव में गौ सेवा कैसे की जाती है। जब तक गाय के प्रति एक पशु भाव रहेगा या जब तक एक सामान्य जीव का भाव भी रहेगा, तब तक सेवा भाव की सिद्धि नहीं होगी। तो गाय के प्रति पहले तो एक मातृभाव स्थापित किया जाए। मातृभाव जब उसके प्रति रहेगा तो पूज्य भाव आएगा, एक आदर की भावना हृदय में स्वयमेव आएगी। और माता जी गौशाला में जो भी कुछ दिखाई दे रहा है, यहाँ की जो भी कुछ समृद्धि है, यहाँ का जो भी कुछ वैभव है, उसमें प्रधानता है भावना की। यहाँ जो भी सेवक है, जो भी कर्मचारी है, बालक से लेके बड़े तक, उन सबके हृदय में एक गौ सेवा का भाव डाला गया है। अपने शरीर की परवाह छोड़ के यहाँ पे सुबह से रात रात तक ग्वाले काम करते हैं, और यहाँ तक कि हमारे मान मंदिर के बहुत से संत जो निष्काम भाव से यहाँ पर अपनी सेवा का योगदान करने के लिए साधु लोग भी आते हैं, संत लोग भी आते हैं। तो गौ सेवा के लिए वास्तव में भावना का होना बहुत आवश्यक है। इसलिए बाबा महाराज प्रायः कहते हैं कि धन का अभाव इस गौशाला में कभी नहीं होगा, सामर्थ्य का अभाव इस गौशाला में कभी नहीं होगा, जब तक कि लोग भाव से धनी रहेंगे। तो हम लोग देख सकते हैं कि इस युग में ऐसा गौशाला, ऐसा खिरक
जहाँ दूध के लोभ से गौ सेवा नहीं होती है। और जितना भी गौ सेवा हो रही है वो सब पूर्ण निष्काम भाव से, निस्वार्थ भाव से हो रही है। देसी गाय 8 से 10 लीटर A2 क्वालिटी का दूध देती है। देसी नस्ल की गायों में फायदेमंद A2 टाइप का प्रोटीन प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। यह हमें हृदय रोग, डायबिटीज एवं न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर जैसी कई बीमारियों से बचाता है और शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा करता है। विदेशी नस्ल की गाय दूध तो 15 से 20 लीटर तक देती है, लेकिन इनमें पाया जाने वाला बीटा कैसीन A1 नाम का प्रोटीन अनेक बीमारियों को पैदा करता है। इसके लिए A2 दूध पियो और स्वस्थ लाइफ जियो। ये बायोगैस प्लांट 2 साल से ऑपरेटिव है और इसकी जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है उसको हम एज ए कैप्टिव कंजम्पशन ही अपनी गौशाला में यूज करते हैं। इस बायोगैस प्लांट के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। एक तो सबसे बड़ा बेनिफिट इसका ये है कि ये जो गोबर हम एज इट इज़ डंप कर देते हैं, जिसका कि कोई यूज़ उससे और हमको एडिशनल कुछ नहीं मिलता है, बहुत कम रेट में वो बिकता है, तो इसमें से हमको बायोगैस मिलती है। बायोगैस जो है हमारी फ्री है और उस बायोगैस से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं। अभी आज की तारीख में हमारे पास 300 टन रोज का देसी गाय का गोबर होता है, जिसकी उपयोगिता के लिए हम चाह रहे हैं कि एक बड़ा गोबर गैस प्लांट बने, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा गैस से गौशाला को आत्मनिर्भर कर सकें इलेक्ट्रिसिटी के लिए, साथ साथ में निकली हुई स्लरी से हम ज़्यादा किसान भाइयों को जैविक चीज़ें दे सकें। इससे देसी गाय की महत्ता बढ़ेगी और साथ साथ में गाय ये साबित कर सकेगी कि वो आत्मनिर्भर है, उसे किसी के लिए भी दूध के अलावा जो मूत्र और गोबर है उससे ही वो अपना आराम से सब पोषण कर सकती है। हमारे पीछे जो देसी गाय के गोबर से बना कंपोस्ट है, ये सबसे अच्छा ऑर्गेनिक तत्व रहता है, क्योंकि देसी गाय का जो इंटेस्टाइन होता है उससे जो गोबर निकलता है उसमें 300 करोड़ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑलरेडी रहते हैं, जो बहुत एसेंशियल रहते हैं अपने सॉइल के हेल्थ को मेंटेन करने के लिए। राधे कृष्ण राधे कृष्णा, राधे श्याम राधे श्यामा, श्याम श्याम राधे राधे।